माल्यार्पण कर स्वागत करें। निवेदन करेंगे सिविल सर्जन महोदय से कि वे आए और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का, माननीय महापौर जी का, माननीय विधायक जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। निवेदन करेंगे डीएचओ सर से, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, माननीय महापौर जी, माननीय विधायक जी और भोपाल से आए साहू सर और दीक्षित सर से कि वे माँ सरस्वती की प्रतिमा पर
माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी निवेदन करेंगे, महापौर जी से सत्यपाल सिंह जी, नेटू भैया विधायक जी से कि इस कार्यक्रम का शुभारंभ के लिए मैं निवेदन करूंगा प्रेमकांत जी से कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मयंक शर्मा जी से भी विनम्र आग्रह है कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। संजय शर्मा जी से भी निवेदन है कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। राम नरेश शर्मा जी से भी निवेदन है मंच पर स्थान ग्रहण करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मिशन इंद्रधनुष विशेष टीकाकरण अभियान मिशन 100 का शुभारंभ कार्यक्रम माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के आतिथ्य में, माननीय महापौर जी के अध्यक्षता में कुछ ही देर में संपन्न होने जा रहा है। मैं अपनी टीकाकरण टीम से निवेदन करूंगा कि वह मंच पर आने का कष्ट करें, साथ ही हमारे बीच एक टीकाकरण कैलेंडर 2017-2018 अभी आपके समक्ष माननीय पहुंचा है, इसका विमोचन भी अभी आपके कार्यक्रम मंडलों द्वारा किया जाना है। आपसे निवेदन है कृपया इसका विमोचन करें। ये टीकाकरण कैलेंडर 2017-18 इसके अंदर बच्चे की समस्त जानकारी, नवीन टीकाकरण तालिका, तारीख याद रखने के लिए कौन से दिन ये बच्चे को टीका दिया जाना है, कौन से सप्ताह में दिया जाना है, सभी टीके कौन कौन से दिन मिलेंगे, ये सारी चीजें ये मैं आप सभी से विनम्र आग्रह करूंगा कि खड़े होकर कृपया इसका विमोचन करें। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी टीकाकरण टीम कृपया शीघ्र मंच पर आ जाए। पोमना जी बच्चों के साथ चूंकि मिशन इंद्रधनुष विशेष टीकाकरण अभियान का कार्यक्रम और विमोचन और टीकाकरण आज ये सभी नन्हे मुन्ने विशेष टीकाकरण अभियान के अंतर्गत टीकाकृत होने जा रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कृपया लगातार तालियां बजाते रहे, जिससे इन बच्चों का माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा जो टीकाकरण किया जा रहा है वो आप सभी एक यादगार क्षण के रूप में रहे।
हमारे द्वारा भी आज शिवपुर में जो चिन्हित जिला है जहां पर टीकाकरण कम हुआ है उसका हमारे द्वारा शुभारंभ हुआ। जैसा बताया गया मुरैना उस कैटेगरी में नहीं है, 70% से भी कम जहां टीकाकरण हुआ है उन जिलों को इसमें लिया गया है। और हम यहाँ की टीम को इस बात के लिए बधाई देते कि यहाँ पर 80% पहले से ही थे, अब 80 से 100% करने के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे आपके सबके जाने पहचाने लोकप्रिय महापौर आदरणीय अशोक अर्गल जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता लोकप्रिय विधायक स्वामली श्री सतपाल सिंह जी इस कार्यक्रम में उपस्थित, मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर श्री डॉक्टर साहू जी, यहाँ के युवा कलेक्टर जो हॉस्पिटल को ठीक करने के लिए मनोयोग से प्रयासरत है, श्री भास्कर लचकार जी, हमारे नगर मंडल के अध्यक्ष श्री प्रेमकांत शर्मा जी, युवा मोर्चे के जिले के अध्यक्ष श्री मयंक शर्मा जी, हमारे जिले के भाजपा पार्टी उपाध्यक्ष श्री उदयवीर सिंह सिकरवार सॉरी राम नरेश शर्मा जी, तो उदयवीर परमानेंट ही है ना, श्री खड़क सिंह जी, श्री संजय शर्मा जी, यहाँ पर हमारे जॉइंट डायरेक्टर श्री दीक्षित जी डॉक्टर दीक्षित, सीएमएचओ श्री डॉक्टर मिश्रा जी, सिविल सर्जन डॉक्टर सक्सेना जी, और यहाँ पर जो हमारे नेता बैठे हैं उनके सभी के नाम मैं ले सकता हूँ, हमारे महामंत्री द्वय श्री रामवीर सिंह कंसाना जी, श्री कारखुर जी नरेश कारखुर जी, महेश भरद्वाज जी और डॉक्टर गुप्ता जी, सभी लोग यहाँ पे हैं, श्री मुकेश भरद्वाज जी वो नाम छूट जाएंगे कोई, और सबसे प्रमुखता से उपस्थित हमारे एमएलए साहब मुन्नालाल अग्रवाल जी, हमारे पूरे समाज की सेवा करने वाले संघ प्रवास से जुड़े माननीय अग्रवाल जी, उमेश अग्रवाल जी, सभी साथियों यहाँ के सभी डॉक्टर साहबान और कार्यकर्ता बहन और भाइयों, आज इस वो दिन है जिस दिन हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी जिन्हें चिंता है देश में बीमारी मिटाने की, देश को स्वस्थ रखने की, देश को स्वच्छ रखने की, और इसीलिए आज उन्होंने ये मिशन इंद्रधनुष उन जिलों के लिए पूरे देश में चलाया है जहाँ टीकाकरण संतोषजनक नहीं है। आज के समय में टीकाकरण बहुत जरूरी है, आप सब जानते हैं कि बहुत सारी बीमारियों से समय पर टीकाकरण हो जाए तो छुटकारा मिलता है। हम लोग कौन कौन सी बीमारी नहीं होगी अगर टीकाकरण हो गया तो, आपको सुन के कई लोगों का आश्चर्य भी हो सकता है, आपको कभी टीबी नहीं होगी, आपको पोलियो नहीं होगा, निमोनिया नहीं होगा, मेनिंजाइटिस नहीं होगी,
दिमागी बुखार जो आजकल जानलेवा हो जाता है वो नहीं होगा। रोटा वायरस जिससे दस्त हो जाते हैं वो भी नहीं होगा। टेटनेस, हेपेटाइटिस बी के खतरा, डिप्थीरिया, तमाम बीमारी है, उनसे एक बार टीकाकरण हो जाएगा तो जिंदगी भर के लिए उनसे मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए इसके महत्व को समझाने, आने वाला भविष्य, आने वाले बच्चे, हमारे युवा स्वस्थ हों, मुरैना स्वस्थ हो, इसी मकसद से हमने तय किया कि मुरैना में 80% से भले ज़्यादा हो लेकिन 100% नहीं है। हम चाहते हैं, ये चैलेंज है, यहाँ पे कलेक्टर साहब बैठे हैं, हमारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी बैठे हैं, जब तक इसमें हम लोग सब नहीं जुड़ेंगे, गांव का कार्यकर्ता नहीं जुड़ेगा, शहर का कार्यकर्ता नहीं जुड़ेगा, हर सामाजिक कार्यकर्ता नहीं जुड़ेगा, हमारी आशा कार्यकर्ता, हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत के सचिव, पंचायत सरपंच और जितने भी जितनी एजेंसी हैं उन सबको ये बीड़ा उठाना होगा और ये प्रण भी करना होगा कि हम मुरैना जिले में बिना टीका के किसी को भी रहने नहीं देंगे। 2 साल तक के बच्चों का टीकाकरण, 5 साल तक के बच्चों का जो टाइम फ्रेम में टीकाकरण होता है वो होना, जो हॉस्पिटल्स में डिलीवरी होती है जिनको संस्थागत डिलीवरी कहते हैं, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कहलाती हैं, उनके टीके लगना शुरू हो जाते हैं बर्थ के साथ और वो टाइम फ्रेम में चलते हैं, लेकिन जिनकी डिलीवरी हुई नहीं, आज भी 12-13% डिलीवरी ऐसी होती हैं जो संस्थागत नहीं हो पाती हैं, और उनके बच्चों का ये टीकाकरण होना, और जो महिलाएं आने वाले समय में प्रसव के दौर से चल रहे हैं और बच्चा होना है, उन महिलाओं का भी टीकाकरण हो, 100% उनका भी टीकाकरण हो, स्वस्थ माँ का स्वस्थ बच्चा होगा, और जब टीकाकरण माँ को लगेगा तो बच्चा बिना किसी रोग के पैदा भी होगा, और जब बच्चे का भी टीकाकरण होगा तो वो स्वस्थ होगा, बीमारियों से मुक्त होगा। इस बात को समझें, जब प्रधानमंत्री जी इस बात को सोच सकते हैं, हमारे शिवराज सिंह जी जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं वो बहुत संवेदनशील हैं, बच्चों के मामा हैं, और उन्होंने ये तो अभी मिशन इंद्रधनुष शुरू हुआ, पिछले साल भी हुआ था, उन्होंने कुछ महीने पहले स्वास्थ्य अधिकारियों की एक मीटिंग ली थी और उन्होंने निर्देश दिया था कि मध्य प्रदेश में 100% टीकाकरण होना चाहिए पूरे मध्य प्रदेश में। उसको यूं ही चल रहा है, उसको हम मिशन मोड पे मुरैना में करेंगे। मुरैना के लिए डिजिटल एक्सरे की बहुत ज़रूरत थी, बहुत दिनों से इसकी मांग होती थी, अब ये डिजिटल एक्सरे आपको मिला है। अभी जो कह रहे थे कि बड़ा हॉस्पिटल, मैं तो ये कह सकता हूँ कि इससे मुरैना का जो हॉस्पिटल बनने जा रहा है 600 बेड, उससे बड़ा केवल उज्जैन का ही है जो 700 बेड है, वो भी इसलिए कि वहाँ हर 12 साल में सिंहस्थ होता है और हर साल वो बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते अब 700 हुआ है, और नगर भी बहुत बड़ा है और धार्मिक नगरी भी है, लेकिन मुरैना को 600 बेड की ज़रूरत है। अभी इतने पेशेंट आते हैं, इतनी भारी क्राउड आता है OPD में, और कई बार डिलीवरी होती है, महिलाओं को जगह नहीं मिल पाती और बहुत दिक्कत होती है, पेशेंट्स को जगह नहीं मिल पाती, बेड कम पड़ जाते हैं। मुझे उम्मीद है आने वाले समय में जब 600 बेड की बिल्डिंग बनेगी, सभी उपकरणों के साथ जब व्यवस्था होगी, तो हमें ये जो परेशानी है उसे निजात मिलेगी और अधिक से अधिक पेशेंट का इलाज अच्छे से अच्छे समस्त लेटेस्ट उपकरणों के साथ मुरैना में हो सकेगा। ऐसे मध्य प्रदेश की सरकार प्रयास कर रही है, शिवराज सिंह जी का पूर्ण आशीर्वाद है उनको। जब हम कहते हैं कि और पैसे की ज़रूरत है तो वो कहते हैं कि स्वास्थ्य का जहाँ तक सवाल है और बच्चों के और महिलाओं के स्वास्थ्य का सवाल है, मध्य प्रदेश की सरकार के खजाने खुले हुए हैं, जितना चाहिए आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं मृत्यु दर बच्चों की, मृत्यु दर महिलाओं की कम हो, देश में सबसे कम मध्य प्रदेश की हो, ये प्रयास हम लोग करना चाहते हैं। यद्यपि ये कह सकते हैं हम कि पिछली सालों के मुकाबले, पुरानी सरकारों के मुकाबले
हमारे यहाँ मृत्यु दर काफी कम हुई है, लेकिन ये संतोषजनक बात हम नहीं मानते। हमारा संतोष तो तब होगा जब पूरे देश में मध्य प्रदेश की इस तरह की डेथ, इस तरह की मृत्यु सबसे कम होगी। इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं, आप सबका इसमें हमको सहयोग चाहिए। ये तभी सफल होएगा जब हम सब ये प्रण करेंगे कि हम लोग मिशन इंद्रधनुष को पूरे मन से चलाएंगे और घर घर तक इसको पहुंचाएंगे, और कोई बच्चा कोई महिला बिना टीकाकरण के नहीं रहने देंगे। इसमें आपकी सबकी भूमिका है, सबका सहयोग होना चाहिए। मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। कार्यक्रम 5 बजे था, होते होते काफ़ी देर हुई, 7 बजे से ऊपर हो गया है, फिर भी आप लोग रहे, और बहनों का त्यौहार भी है फिर भी वो रहीं। मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और करवा चौथ की उनको और सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।